नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। सहरसा पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किया। सहरसा सदर थाना क्षेत्र के रिफ्यूजी कॉलोनी वार्ड नंबर 23 में एक पिकअप गाड़ी से भारी मात्रा में पुलिस ने विदेशी शराब बरामद किया, जिसकी मात्रा 776.835 लीटर बताई जा रही है। वहीं मौके से बिना नंबर की एक पिकअप चार चक्का वाहन भी जब्त किया गया और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार व्यक्ति का नाम राकेश सिन्हा उर्फ ब्रजनंदन बताया जा रहा है, जो रिफ्यूजी कॉलोनी का रहने वाला है। इस बाबत सदर SDPO संतोष कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि सदर थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि रिफ्यूजी कॉलोनी वार्ड नंबर 23 में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब लाया गया है, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर छापेमारी की गई। इस दौरान शराब लदा पिकअप वाहन को जब्त किया गया, जिसमें से 776.835 अंग्रेजी शराब बरामद किया गया और मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन पुलिस कर रही है। सहरसा बिहार से, हाँ, आज सुबह 22 तारीख को इंस्पेक्टर सुधाकर जी थाना अध्यक्ष सदर को सूचना मिली कि रिफ्यूजी कॉलोनी वार्ड नंबर 23 के पास पिकअप गाड़ी में शराब उतर रहा है। इसी पे ये अपनी टीम को तैयार किए, जिसमें सब इंस्पेक्टर अवनीश कुमार हैं, अविनाश कुमार और संजीव कुमार, और STF के टीम को लेकर के ये रेड किए, छापामारी किए। तो छापामारी में एक व्यक्ति पकड़ाया जिसका नाम राकेश सिन्हा है और एक पिकअप वाहन पकड़ाया जिसमें कि लगभग 1111 बोतल शराब, विदेशी शराब, जो रॉयल क्लियर के नाम से 2145 बोतल, टोटल 2145 बोतल शराब बरामद हुआ है। ये काफ़ी अच्छा काम हुआ है। क्या नाम है कारोबार? राकेश सिन्हा। सर, ये पुरुष से भी तस्करी करता था शराब का? हाँ, इसकी जांच की जा रही है। निश्चित है कि अगर ये शराब पकड़ाया है तो पहले भी कुछ किया है। तो इनके साथ सिंडिकेट में और कितने लोग, इस सब की जानकारी ली जा रही है, इस सब पूछताछ की जा रही है। R9 भारत की ब्यूरो रिपोर्ट। और बड़ी खबर आपको बता दें सहरसा बिहार से, जहां दिन दहाड़े हुई गोलीबारी की घटना से इलाके में फैली दहशत। जी हां, बताते चले आपको कि सहरसा सदर थाना क्षेत्र के भारती नगर वार्ड नंबर 26 रेड लाइट एरिया के समीप बेखौफ हथियारबंद अपराधियों ने अंधाधुंध गोलीबारी करना शुरू कर दिया। वहीं इस गोलीबारी की घटना में एक 7 वर्षीय बालक गोली लगने से घायल हो गया। गोलीबारी के दौरान इलाके में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि अचानक हथियार लैस बेखौफ अपराधी बाइक पर सवार होकर आए और रेड लाइट एरिया के समीप दबंगई दिखाते हुए तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इस दौरान मोहम्मद कारी का 7 वर्षीय पुत्र की जांघ में गोली लग गया, इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद घायल बालक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। क्या घटना हुआ, क्या सूचना? गोली लग गया, बच्चा रोड पे खेल रहा था, बच्चा रोड पे गोली चला, बस लग गया। हम लोग का घर है बहुत पीछे। कौन जगह चला है गोली? पटवा 26 नंबर वार्ड में। क्या सूचना मिला था आप लोगों? 26 नंबर वार्ड। क्या सूचना, क्या मिला था? सूचना मिला ही जो गोली मार दिया, फायरिंग चला, लग दिया गोली। तब हम लोग घर से बाहर आए, सब बच्चा को ले गए। हम लोग तो बहुत मस्जिद के पीछे घर। क्या नाम है बच्चा का? मोहम्मद अली। कहाँ गोली लगा है? जांग। दो लड़का आया, अरे हम लोग यहाँ बैठे बैठे दो लड़का आया, उधर से यहाँ फायरिंग करने लगा, पिस्टल चलाने लगा। एक बच्चा को, 8 साल का बच्चा को घायल हो गया, जांघ में लग गया, रोटा में लग गया। जानते थे कौन था? हाँ, जानते थे कौन था। एक लड़का का नाम प्रिंस था, नहीं बच्चा का नाम प्रिंस नाम था, एगो राजकुमार नाम है। क्या पहले क्या विवाद, क्या था विवाद? कुछ ना, अपने आप को आके धमकी चमकी देने लगा। गाली किसको दे रहा? गाली ऐसे मोहल्ला वाला को पूरा दे रहा था, आके बच्चा को गोली लग गया, गोली फायर कर रहा था। हाँ, बच्चा को गोली मार दिया। क्या नाम हुआ? वही है, 2 नंबर का आदमी। क्या नाम हुआ आपको? मेरा अमीना खातून। कौन वार्ड है ये? 26 नंबर वार्ड है। ये प्रिंस और राजकुमार ये शायद आपस में लड़ रहे थे, ये गोली चला दी है, जिससे कि एक वहाँ छोटा बच्चा मोहम्मद अली 8 साल का खेल रहा था, उसके जान को अभी हॉस्पिटल में वो इलाजरत है, इसकी तफ्तीश जारी है, इन लोगों को गिरफ्तार किया है। लड़ाई का कारण क्या था सर दोनों के बीच? लड़ाई का कारण तो अभी पता नहीं चला है, क्योंकि दोनों अभी फरार हैं। सहरसा बिहार से R9 भारत की ब्यूरो रिपोर्ट।
नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।